पंडित जी, मेरी बहन का हमने स्वयंवर रखा है, अच्छे लड़के से शादी हो जाए तो। आप चिंता मत करो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, मेरी बहन को अच्छा लड़का मिल जाए। पंडित जी, आपको वो 10 रुपए देते हैं, इसलिए आप आरती के लिए उनको पहले अंदर ले लेते हो। क्यों रे भाई, तू बहुत ज्यादा बोलने लगा है। क्या करें, नहीं बोलूंगा तो शाम को भी दर्शन नहीं होंगे। क्यों बेटी, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं माँ, आपको देखा तो आंसू आ गए, और कुछ नहीं। बेटी तू झूठ क्यों बोल रही है? तेरे चेहरे से मुझे सब पता चल गया। मैंने पहले ही तुम्हें कई बार समझाया था, 1000 बार समझाया था तुम्हें, शादी मत करो उससे, फिर भी नहीं मानी। लेकिन तू उसी से शादी करेगी, ऐसी जिद करके तुमने उसी से शादी कर ली। दहेज मांगा वो उतना दिया, फिर भी तू सुखी नहीं है। अगर तुझे कोई तकलीफ है तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं तुझे अपने साथ रखूंगी। तू उसके पास वापस मत जा, मत जा, मत जा, आ जा मेरे पास, मत जा। नहीं माँ, ये फैसला मेरा था, अच्छा हो या बुरा हो मैं उसी घर में अपनी जिंदगी काटूंगी। देख मेरी बात मान ले, उसके पास मत जा, तू चल मेरे साथ, मुझे हमेशा डर लग रहता है, चल। ये तुम औरत हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में क्या क्या होता है ये अपनी माँ को बताने के लिए मंदिर जाने का नाटक करती है। जिस दिन मेरे भाई ने तुमसे शादी की उसी दिन हमारे घर की इज्जत और मान मर्यादा मिट्टी में मिल गई। किस बातें कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत है कि नहीं? नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती। लक्ष्य परिवार की लड़की है, किसी को मत बोलना। चल मेरे साथ, चल। लक्ष्मी कहाँ ले जा रहे हो? क्या क्या करने जा रही है? चल, छोड़ो मुझे। ए हाथ छोड़, क्यों उसके साथ ऐसा कर रहा है? तेरी रखेल है क्या, इसीलिए तुझे मिलने के लिए रोज आती है मंदिर? कैसी बात कर रहा है, कम से कम मेरी उम्र देख के तो बात कर, बात करने की तमीज नहीं है क्या? चल निकल, मैं प्रेस वाला हूँ समझा। आ जाओ, दूसरा कोई मर्द नहीं है क्या? मैं अपनी बहन को 50 तोला सोना और 5 हार दूंगा, लड़कर कोई जीतेगा क्या? हे मुझसे लड़कर कौन जीतेगा? जो भी हो, मैं उससे अपनी खूबसूरत बहन की शादी कर दूंगा। मेरे भैया से लड़ने के लिए कोई यहाँ मर्द नहीं है? इस शहर में कोई भी वीर पुरुष नहीं है, सभी डरपोक है क्या? ये कौन झुक कर देख रहा है? चल अंदर आ, तुम्हें हिम्मत है तो अंदर आ। ए, क्या झुक कर बाहर से देख रहा है? ए, कोई भी असली मर्द नहीं है क्या? ए, चल ले, मैं तेरे साथ करूंगा। आजा आजा, और कोई है हिम्मत वाला? आजा। 5 लाख रुपया और 5 गली नाम है, उसे हरा कर शादी कर लो और लाइफ में सेटल हो जाओ। मरना है क्या भाई? कब तक जेब कतरने और गांजे का काम करता रहेगा? भाई बहुत खूबसूरत है, तुम उस भाई को हरा दो और शादी करके उसके साथ सेटल हो जाओ। वो तो देखने में बकरे वाला कसाई लग रहा है, छोटे छोटे टुकड़े कर देगा वो। अरे भाई तुम बिंदास लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। चल 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 चल, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। बस करो, तुम दोनों की अच्छी जोड़ी है, जल्दी मकान वहीं से पहना दो। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। तू अपने आप को मत मार, तू मुझे चाहिए, मैं तुझे हासिल करके ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये वाला पाता। अरे रे, ये तो एक लंबे से पेड़ की तरह लग रही है।
भाई इसकी सच्चाई से कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसकी शादी हो गई है या नहीं। खैर छोड़, इस घर में तो 50 लाख ही है, हड़प लेंगे। स्वामी, आज यही हमारी पहली सुहागरात है ना? अब से हम दोनों सिर्फ एक हो जाएंगे और हमारे दिल भी एक हो जाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे के दिल में नहीं रहते तो परिवार बिखर जाता है ना, ये जानते हो ना? ए स्वामी, मैंने ये सारी किताबें पढ़ ली हैं, अब हम एक हो जाएंगे। इसमें सब कुछ है, मैंने ये सब पढ़ने के बाद परीक्षा देने के लिए तैयार हो गई। अब मुझे सब समझ में आ गया कि पति पत्नी का रिश्ता कैसे कायम रहता है। स्वामी, क्या है रूपमती, आपका चेहरा कितना अच्छा है और आपकी बॉडी भी बहुत स्ट्रांग है। मेम साहब दूध। मेम साहब मेरा काम खत्म हो गया, मैं चलती हूँ। मम्मी पापा गए? हाँ वो लोग सब चले गए। ठीक है तुम जाओ। लगी मेरी लगी मेरे दिल में आगन, होने लगी होने
ठाकुर देखे हैं, मजा बड़ा लूटे हैं, भेजे से पैसेंजर को गड़ी कोई झूठे हैं। तुम लोगों ने सर्च किया क्या? सर्च कर रहे हैं सर। कुछ मिला क्या? सभी ढूंढ रहे हैं सर। क्या हुआ था? क्या बताऊं सर, रात में हम सब साथ में थे, एक साथ में खाना खाए थे, खाने के बाद वो खुशी से तो गई थी। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं उसी को अपनी बेटी मानती थी, वो इस तरह से खुदकुशी कर लेगी, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? मैं रोज ही तुम जैसे बेवकूफों से मिलता रहता हूँ। ये बता, मरी हुई औरत का पति कौन है? विदेश में है सर। फिर ये कौन है? ये मेरा दूसरा बेटा है सर। तेरा नाम क्या है? बालाजी। सर वो मेरी भाभी थी सर, वो मेरा माँ की तरह ख्याल रखती थी सर, बीमारी से तंग आके उसने खुदकुशी कर ली सर, मेरी भाभी बहुत परेशान रहा करती थी सर। फिर ये तेरे थोबड़े पर निशान कैसा? तू सब बताएगा। बाकी के पैसे? कुछ कीजिए ना, आप कुछ बोलिए ना, मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो? मेरी बेटी को ये क्या हो गया? देखो मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मेरी बेटी को क्या हो गया बेटा? हे भगवान, मेरी बेटी को मुझे देखने दो, देखने दो। सभी को जीप पे डालो। मेरी बेटी का लिखा लेटर मेरे पास है, उस लेटर के सहारे मैं तुम लोग को जेल में डाल के छोड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को, बदला लूंगी, जेल में भेजूंगी तुम लोगों को, मार डालूंगी किसी को, छोड़ूंगी नहीं। तुम वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ओके मैडम। Thank you.
बेटा, मैंने कब से खाना निकाल के रखा है, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ माँ, मुझे दीदी की याद आ रही है माँ। सच बताओ, तेरी बेटी का लेटर कहाँ है? मैं जो पूछ रहा हूँ वो तुमने सुना नहीं क्या? नहीं है। ओ, नहीं है। कांस्टेबल सर, सर्च। यस सर। तुम लेटर नहीं दो? नहीं दूंगी। अब तुम देसी तमाशा। मेरे बेटे को छोड़िए, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? मेरे बेटे को। आगे चल। भैया, छोड़िए। रिक्शा रोको। कोई नहीं है मेरे बेटे की। आप लोग इस तरीके से नहीं। चल अंदर को। छोड़िए। गाड़ी निकाल। स्टेशन जल्दी ले चलो। अरे चल चल उधर। साहब छोड़ दो, मैं कुछ नहीं किया। चलो ठीक है मैडम। चल तो निकाल। आपको देखकर मुझे तरस आ रहा है, आप क्यों जिद कर रही हो? अगर आपने वो लेटर नहीं दिया तो वो एसी पता नहीं क्या करेगा। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कृपा करके वो लेटर दे दीजिए माँ। नहीं दूंगी। मैंने आपको समझा दिया, आगे आपकी मर्जी। क्या बोल रही है वो? वो कुछ भी नहीं बता रही है सर। ये बताने में तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो हट। लेटर नहीं दोगे ना? एक बार कह दिया ना कि मैं लेटर नहीं दूंगी। मैंने कुछ नहीं किया। हट। देगी ना लेटर? बोल, तू लेटर देगी कहीं? बोल, मेरी माँ बोल, देगी क्या? बोल, देगी ना?
नमस्ते सर। ये बताओ कि मर्डर कितने बजे हुआ? सर अभी 12 बजे हुआ सर। अच्छा अच्छा, उस समय वहाँ कौन कौन था? माँ और बेटा था सर। वो लोग वहाँ क्या कर रहे थे? नहीं मालूम सर, सर उन लोगों के साथ कुछ पूछताछ कर रहे थे। अच्छा अच्छा, अभी वो लोग कहाँ हैं? माँ को लेडीज पुलिस स्टेशन में डाल दिया है और उसके बेटे को यहीं पे लॉकअप में डाल दिया। वेरी गुड। अच्छा तुम लोग बॉडी का पोस्टमार्टम करा के मुझे बताओ। यस सर। मुजरिम किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, जाके सारे चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म कर दो। यस सर। ओके। हे भगवान, आपने अपना ये क्या हाल बना लिया? हाँ आपने क्यों ये बेवकूफों जैसी हरकत की? किसे समस्या नहीं होती? अगर आपकी तरह हर औरत ये फैसला कर ले तो औरत समाज ही खत्म हो जाएगा। हमने यहाँ महिला संघ क्यों बनाया है? अगर आप हमें बताती तो हम आपकी समस्या दूर नहीं करते क्या? मैं क्या करूँ, पुलिस मुझे बहुत परेशान कर रही थी, मैं झेल नहीं पाई। मेरी बेटी के मौत का सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। आपका दुख वाकई असहनीय है, लेकिन इसके लिए ये फैसला बिल्कुल ही गलत है। इस तरह इतना खतरनाक कदम आपको कभी नहीं उठाना चाहिए था। माँ जी आओ बेटी आओ, तुम सही वक्त पर आई हो। क्या हुआ इनको, क्या हुआ? क्या? इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, पर ऊपर वाले का शुक्र है कि पड़ोसियों ने इनकी मदद करके इनको बचाया। आपको तो हमें रास्ता दिखाना चाहिए, पर आपने ये गलत कदम क्यों उठाया? मेरी जगह कोई भी होता तो यही फैसला करता। मेरे इस हालत का कारण ये लेटर है, आप खुद ही इन्हें पढ़कर फैसला कर लीजिए। कौन हो तुम, किससे मिलना है? मैं पूछे तुम्हें किससे मिलना है? बोलो तुम्हें किससे मिलना है, किससे मिलना है तुम्हें? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ तुम्हें अभी बताती हूँ। कौन हो तुम? उठ साले। माँ, माँ, अरे तुम मेरे बेटे को क्यों मार रही हो? मत मारो मेरे बेटे को। कौन हो तुम? क्या कर रही हो? अरे क्यों मार रही हो? बेटे को तुम क्यों मार रही हो? हेलो पुलिस स्टेशन।
तू अपना कमीनापन मुझ पर दिखा तो तुझे बताती हूँ कमीने कुत्ते। मैं हाथ जोड़ के मेरे बेटे को छोड़ दो। छोड़ दो मेरे बेटे। अब क्यों चुप बैठा है कुत्ते? अब दिखा अपनी मर्दानगी, मुझ में दिखा अपनी मर्दानगी। जो मैं हाथ जोड़ती हूँ मेरे बेटे को छोड़ दो। क्यों मार रही हो मेरे बेटे को? जिस धामी को लोग माँ की तरह देखते थे उसी की इज्जत इसने लूट ली। अपने जिस्म की आग मिटा के इसने उसकी जान ले कर रही हो। मर जाएगा इस तरह तो। मेरे बेटे को मत मारो। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ। मैं सारी सच्चाई सब लोगों के सामने बताने को तैयार हूँ। आइए सर आइए, गुनहगार ने खुद अपना गुनाह कबूल किया है। ये उस लड़की के लेटर्स भी ले जाइए, इसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि उसे मार दिया गया है। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया तो हम धरना धरेंगे। ले जाओ। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या किया जाए। क्या रे साले टकले कालिया, तूने मुझसे शादी तो कर ली, तूने कभी मुझे छुआ क्या? नहीं ना, तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगी। भूख लगी है, खाना खाएगा? मुंह खोल, ये बादाम खा ले। और खाएगा? ये ले। और खाएगा? ये ले। खजूर खा, खा, मुंह खोल, खा। अभी भी मूड नहीं बन रहा तेरा? ये ले और खा, खा ले, जी भर के खा। हाँ खा ले, ये भी खा। मूड बना क्या तेरा? अभी भी नहीं बना, अभी बनाती हूँ। स्वामी अभी भी तुम्हारा मूड नहीं बना, ये शहद मैंने तुम्हारे लिए लाया है। स्वामी मुंह खोलो और पी लो। कुछ हुआ क्या? एक चीज और बची है तुम्हारे लिए। रुको अभी पिलाती हूँ, मुंह खोलो। हाँ ये लो, ये पियो पियो पियो, अच्छी तरह से पियो पियो। हाथ खोल दे मेरा, फिर बताता हूँ तुझको। बन गया फिर बताता हूँ। मूड बन गया, इस कमरे को तोड़ दूंगा, पूरे घर को तोड़ दूंगा, तुम मुझे जानती नहीं हो। स्वामी कितने अच्छे हो, अभी खोलती हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने, भाग यहाँ से, भाग रे। स्वामी अरे और टकले कालिया। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। आईएएस अधिकारी कमरेश्वर रिश्वत लेने के चक्कर में फंस गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने उनके पास से करोड़ों रुपए जब्त किए हैं। इस वजह से बहुत से राजनीतिक नेताओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तमिलनाडु में बुल फाइट शुरू करने की कुछ शर्तों पर अनुमति दे दी है। आईएएस ऑफिसर कमरेश्वर ने करोड़ों रुपए जो रिश्वत लिए है उस केस में ताजा रिपोर्ट आई है कि उनके दस्तखत किए हुए ढूंढने के लिए सीबीआई के कुछ खास लोगों से पूछताछ कर रही है। अगर वो फाइल मिल गई तो बहुत से राजनीतिक नेताओं के नाम सामने आने की संभावना है। नमस्ते भाई। जाइए वहाँ है साहब जी। तुम लोग ये रुको। नमस्ते नेताजी। आओ भाई आओ। आपने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? मैटर बहुत सीरियस भास्कर, सीरियस। सीरियस? ऐसी कौन सी सीरियस बात हो गई? धोखा दिया है। धोखा दिया है? हाँ। किसने? अभी तक क्या बात है मुझे मालूम नहीं है ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? चल बताता हूँ। फरार हुए एएस ऑफिसर मिस्टर कमर सेन पुलिस में फंस गया तो मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या है उसके पास, बताइए तो सही। उसके पास जो फाइल है वो मुझे मिल जाए तो मैं बच सकता हूँ। भास्कर तुम मुझे बचा सकते हो, प्लीज। आपने कह दिया ना, आप यकीन रखिए वो फाइल मैं जरूर लाऊंगा। भास्कर यस, मैं तुझे कैसे थैंक यू कहूं भास्कर, थैंक यू भास्कर। पॉलिटिकल लोग काले सांप की तरह होते हैं। मैंने आपको कितनी बार समझाया लेकिन आप मेरी बात माने ही नहीं। सब कुछ खत्म हो गया है,
अब बात करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पर रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। माँ पानी चाहिए मुझे, अभी लाती हूँ। क्यों कमर्सन, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, पर रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी है, भूल गए क्या हमारी आंखों में धूल झोंक कर तुम खुद को जिंदा रखना चाहते हो? ज्यादा होशियार हो गए तुम हैं? ये ना इंसाफी है। शाबाश, यही है अपने देश का इतिहास कमर्सन, सभी लोग अधिकारियों के नीचे और अधिकारी हमारे नीचे और हम राजनीतिक नेताओं के हाथ के नीचे, और तुम त्रिजान मेरे हाथ में है, समझे ना? अच्छा तो मुझे मरना होगा और तुम लोग को जीने का हक है? तुमने सही सवाल पूछा कमर सिंह, पहले जो बताया था वो अधर्म है, अब मैं उसे धर्म बनाकर कहता हूँ। सुनो, एक देश को जीने के लिए एक गांव को खत्म करना पड़ता है, एक गांव को जीने के लिए एक परिवार को खत्म करना पड़ता है, और एक परिवार को जीने के लिए एक को खत्म करना पड़ता है, इसमें कोई गलत नहीं। अभी हमें जीने के लिए तुम्हारे परिवार को खत्म करना पड़ेगा। चलो वो फाइल हमें चुपचाप से दे दो भाई। नहीं, मैं ये फाइल नहीं दूंगा। अरे सुनो, उनको छोड़ दो, उनको कुछ मत करो। मैं देती हूँ, उनको छोड़ दो, उनको कुछ मत करो, मैं बताती हूँ सब। गुड, जहाँ हाथ रखना चाहिए वहाँ हाथ रखा जाए तो फाइल मिल जाएगा। जाइए अब जाकर फाइल ले आइए, जाइए। फाइल मत देना, मेरी बात सुनो, फाइल मत देना। ये पापी लोग ना जाने कितने ऑफिसर के परिवार को बर्बाद करेंगे। नहीं दूंगा ये फाइल, मैं तेरे हाथ में जाने नहीं दूंगा। नहीं मत दो, मत दो इसे। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं दूंगा। नहीं, 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 देखो ऐसा मत करो, देखो देखो, नहीं नहीं ऐसा मत लग के जाओ। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, नहीं नहीं नहीं, ये देखो देखो ये फाइल मत लग के जाओ। मैंने तो फाइल दे दिया ना, अब तुम उनको छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दें, अगर छोड़ दिया तो ये एक और फाइल तैयार कर लेगा। हाँ जरूर तैयार करूंगा, उस मंत्री को जेल के अंदर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। आई तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू हमें अंदर डालेगा। ए ला इधर, चलो अपना काम हो गया, चलो चलो।
पापियों ने एक परिवार को जहर पिलाकर मार डाला। मैं ये फोटो पुलिस के पास भेजता हूँ, आप उसे ट्रेस कीजिए। नमस्ते भाई। क्या क्या तुम लोगों ने? हम लोगों ने उसे खत्म कर दिया भाई। हाँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा और पैसा तुम लोगों के घर पहुंचाएगा। चलो। ओके भाई, चलो। नमस्कार भाई। बैठो। क्या बात मत स्वामी, कोई खास बात? बॉम्बे के ब्रिजेश ने तमिलनाडु में बॉक्सिंग कंपटीशन शुरू करने के लिए हमें कई बार लेटर लिखा है, पर हमने अभी तक उसे रिप्लाई नहीं किया है। वो चैलेंज कर रहा है कि उससे लड़ने के लिए कोई बॉक्सर नहीं है क्या? बहुत घमंड से चुनौती दे रहा है, किसी से लड़ाकर उसके घमंड को जल्दी खत्म करना चाहिए। सभी लोग उससे लड़ने से डरते हैं भाई। उससे लड़ने के लिए सही आदमी नागराज, मैं उससे बात करता हूँ और तुम लोग प्रोग्राम फिक्स करो। इस तरह समझाओगे तो नहीं बोलेगा। ए, जा रहे ले गया। यस सर। अभी बताएगा। बात कर रहे हैं। भागता कहाँ है? पकड़ो उसे। चल। नेताजी, भास्कर साहब अरेस्ट होकर चले गए हैं और आप यहाँ निश्चित बैठे हैं? भैया, हलवा बनाते वक्त और राजनीति में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ज्यादा जल्दबाजी में सब खराब हो जाता है। अरे भाई, ये मूंछ सिर्फ दिखाने के लिए है क्या? उनको वहीं खत्म कर देना चाहिए था ना। अरे मैं तो तुम्हें बचा ही लेता। आपके हुकुम के बगैर कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए चुप रहा। हाँ मंत्री जी, ये ठीक कह रहा है। इन लफंगों और गुंडों को बनाने वाले हम लोग हैं और खत्म करने वाले भी हम ही लोग हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मा की तरह हैं, समझ गया? तुम एक काम करो, भास्कर के बारे में बता रहे थे ना, जाकर उसे खत्म कर दो, समझ गए? ए, ब्रीफकेस दे दो। जैसा कि ये मेरे बाप की कमाई नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो इसमें से आधा तुम रखो और आधे का क्या करना है, तुम समझ गए? पुलिस को। पुलिस, पुलिस को। क्योंकि अपना आदमी वहाँ बैठा है, अगर तुम टाटा करके चले गए तो तुम्हारे पीछे किसी और को भेजना पड़ेगा। अरे चलो जाओ। hey. अपराधी बने श्रीमान भास्कर के समाज में प्रतिष्ठा और बहुत ही इज्जत है।
उन पर लगाए गए इल्जाम सही सबूतों के अभाव में साबित नहीं किए जा सके, इसलिए कोर्ट उन पर लगाए गए धारा 302 को रद्द करती है, उनसे माफी मांगते हुए उन्हें बेगुनाह साबित करती है और ये फैसला सुनाती है, पुलिस की गलतियों की वजह से समाज में बेगुनाह लोगों पर जो बार बार बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाते हैं, ये बहुत बड़े खेद की बात है। ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए ये अदालत पुलिस को चेतावनी देती है। भास्कर नेता जिंदाबाद, भास्कर नेता जिंदाबाद, भास्कर नेता जिंदाबाद। सब ठीक है? हाँ भाई सब ठीक है। भाई आप किसी भी हाल में अपनी इज्जत बचाइए। चलो ब्रजेश, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम बहुत सुंदर हो। आप पे कुछ कम नहीं है। गुड पर्सनैलिटी, आई लाइक योर मसल्स। सिर्फ मसल्स ही नहीं, I like every inch of your body. तुम क्या करती हो? Dancer हूँ। Dance? अच्छा dance करती हो? आप जैसे boxing में champion हो, उसी तरह मैं dance में बहुत ही माहिर हूँ, समझ गए? चलो नाच कर दिखाओ। आज की रात है बड़ी हसी।
दो कत्ल एक ही जैसे हुए हैं। अपने डिपार्टमेंट को परेशान करके रख दिया है। हो इस कल्प्रेट पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर एक एसीपी को मार के निकल गया। पुलिस वाले भी पुलिस वाले को नहीं बचा पा रहे हैं। फिर ये पुलिस पब्लिक को कैसे बचा पाएगी? टीवी मीडिया, प्रेस मीडिया हम पर सवाल उठा रही है। पहले ही हमारा ये डिपार्टमेंट लेडीज और रिश्वत के चक्कर में झुककर कोर्ट के चक्कर काट रही है। अगर हमने ये दोनों कत्लों की गुत्थी नहीं सुलझाई तो ये हमें कोर्ट के सामने खड़ा करके हमारी मान मर्यादा और डिपार्टमेंट के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। हम क्या जवाब देंगे बताइए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी इज्जत और मान मर्यादा सभी मिट्टी में मिल जाएगा। What are you talking about? Are you policeman? Yes, sir. इस एसी के ऊपर कितने कंप्लेंट है यहाँ रहने वाले सारे ऑफिसर्स जानते हैं और ये आप भी जानते हैं, पर आप चेतावनी नहीं दे सकते थे क्योंकि उसके पास पॉलिटिशियन बैकग्राउंड था जिसको इस्तेमाल करके बहुत सारी गलतियां की थी और बहुत लोगों को धमकियां भी दी थी। ये बात तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सर। खाकी वर्दी पहनकर ये बात करते शर्म नहीं आती? शर्म की बात नहीं है, हमने बड़े बड़े गुंडों और भाइयों का इनकाउंटर किया है और आज किसी ने हमारा इनकाउंटर कर दिया। गुनाहगार का साथ दे रहे हैं आप? कत्ल हुए सभी गुनाहगार हैं। क्या ये भास्कर सही है? उसने कितने अपराध किए थे और उस पर 137 केस है, पर हमने उसे सजा दिया क्या या सजा दे पा रहे हैं? एक पुलिस ऑफिसर के परिवार को जहर पिलाकर उस गलती को छुपाकर वो बेगुनाह साबित होकर बाहर आ गया, इसे आप क्या कहेंगे? बकवास बंद करो, ये कैसे बातें कर रहे तू? ये डिपार्टमेंट की मीटिंग है, तुम लोगों ने इसे सब्जी मार्केट की मीटिंग समझ रखा है क्या? आप लोगों पर भरोसा करने से कोई फायदा नहीं। आई एम सॉरी, इस केस को हमने एसपी राजकुमार जी को हैंडओवर करने का फैसला किया। मीटिंग इज ओवर। नमस्ते मैम। जो भी पूछना है जल्दी पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, आई एम फ्रॉम सन टीवी। हमें पता चला कि आपको अपॉइंट किया गया है दो कत्ल एक साथ हुआ है उसके लिए। यस दैट्स राइट, मेरा काम है मुजरिमों को पकड़ना, यही मेरी ड्यूटी है। जो कातिल अभी तक नहीं पकड़े गए उन्हें आप पकड़ सकती हैं मैडम? डेफिनेटली मैडम, अभी तक कातिल नहीं पकड़ा गया है इसीलिए आपको स्पेशली अपॉइंट किया गया है। क्या गारंटी है आप उसे पकड़ लेंगी? वो क्या है, इसे बदल करना है, एक और अपॉइंट कर देंगे और क्या? आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सच कहने पर आप लोग भड़क क्यों जाते हैं? दिस इज टू मच शरद। पुलिस वालों को यहाँ अलाउ नहीं करना चाहिए था ना? गो गो गो, चलो चलो चलो, एक मिनट, एक सवाल, जाओ जाओ। आप नाराज मत होइए मैम, लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस के बीच में प्यार का चक्कर चल रहा है। आईजी साहब ने वार्न भी किया था, क्या कहना है आपका? हमारे सारे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा मैडम आपको। आपके सवाल भी सही होने चाहिए। ओके एनीवे, अभी सॉरी बोल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम आपके सवालों का बराबर जवाब। इस बोलने में कौन है बॉक्सर? सिर्फ मैं हूँ बॉक्सर नंबर वन। कोई भी हो मेरे साथ लड़ेगा तो कौन जीतेगा देख लेंगे। आईएएस मोहन कुमार ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था और मैंने उसको गोली मार दी। अभी समझ गया, बॉक्सर भास्कर ने कहा कि मैं हूँ नंबर वन तो मैंने उसको भी गोली मार दी। अब मैं बन गया हूँ बॉक्सर नंबर वन। ए आजा आजा आजा, जिसको भी आना आजा आजा आजा, जल्दी आजा। अरे भाई क्या क्या कर रहा है? शेर के सामने, शेर के सामने तुम लोग आए हो, समझ जाना। ये तो मुझे समझाना है, मुझे समझाएगा, शेर को समझाएगा, शेर को समझाएगा। ये ले तुम ले, ए कोई है, अरे टकलू ये तुम ले, क्या कर रहा है? टकलू आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्राणी है और इसका नाम मणिराम है। आपकी बेटी के लेटर को एसपी मोहन ने मांगा था, दिया क्यों नहीं? उन पर भरोसा नहीं था। भरोसा नहीं? किस वजह से आपने भरोसा नहीं किया? अगर ये लेटर उसे देते तो वो खुद फाड़ कर खुद ही फैसला कर लेते थे। पुलिस ऑफिसर ने मांगा था तो देना चाहिए था। आप गैर जिम्मेदार बातें कैसे कर सकती हैं? मेरी बुजुर्ग माँ की साड़ी खींची, बेइज्जती की, ये सब सह के भी हम जिंदा हैं।
हम लोग वैसे ही बहन की मौत से काफी दुखी हैं। उसने हमें घर से लाया था, हम उसे कैसे मार सकते थे? अगर आप लोगों ने हमें इस तरह टॉर्चर किया तो मैं और मेरा बेटा जहर खाकर मर जाएंगे। अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मॉर्निंग मैडम। यही है वॉचमैन। आप ही वॉचमैन हैं? नमस्ते मैम। आपका नाम क्या है? हाँ मैडम, मैं गोरा हूँ इसलिए मेरे पिताजी ने। यहाँ कितने सालों से काम करते हो? 5 सालों से मैम। कत्ल के बारे में क्या जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता मैम। नहीं जानते हो या खुद कत्ल करके नाटक कर रहे हो? वो मेरे लिए भगवान की तरह थे, मैंने उनका कत्ल नहीं किया मैडम, ये नाइंसाफी है मैम। स्टॉप दिस डायलॉग मैम। जिस दिन कत्ल हुआ तुम यहाँ उस दिन थे या नहीं? मैं था। और उस दिन क्या हुआ था? उस दिन साहब 9 बजे आए थे, मैंने ही गेट खोला था। वो हमेशा यहाँ आने के बाद मुझे छुट्टी देते थे मैडम। मैं दूसरे दिन सुबह आया तो उन्हें मरा पाया और फिर मैंने पुलिस को बुलाया मैडम। ओके मिस्टर शरद। यस मैम। इसकी पूरी डिटेल ले लो। ओके मैम। और इस पे नजर रखो। यस मैम। आप ही भास्कर की वाइफ हैं? हाँ मैडम। आपकी शादी को कितने साल हो गए? सिर्फ 1 साल हुआ। आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी क्या? आई मीन हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ समस्या थी क्या? कोई समस्या नहीं थी। और आप इसी घर में रहते थे क्या? नहीं, हमारा घर अंधेरी में है, बस आपने बुलाया था इसलिए यहाँ आई थी। भास्कर की कोई दुश्मनी तो नहीं थी ना? मैं कुछ नहीं जानती मैडम। ठीक है लेट्स मूव। ओके। You see that? Yes, ma'am. लगता है कुछ अंदर है। आप निकाल सकते हैं? अभी निकालता हूँ मैडम। मैडम कॉफी। या थैंक्स। शरद मैडम लॉकअप तैयार करो। यस मैम। ओके मिस्टर सर्वेश, एसी मोहन कुमार और भास्कर के मर्डर केस की सारी फाइल्स यहां लाओ जल्दी। आप थोड़ी देर वेट कर सकती हैं ना? सारी फाइल्स है ना? थोड़ी देर किसी को अंदर नहीं आने देना। You can go. Yes, madam. Thanks. Yeah.
इतनी बड़ी गलती क्यों की? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया वो माफी के लायक है? तुमने क्या सोच के इतना बड़ा गुनाह कर डाला बताओ? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ, तुम खामोश क्यों हो? जवाब दो। हाँ? कौन सी गलती, कौन सा गुनाह? गले में मंगलसूत्र नहीं है फिर भी पूछ रही हूँ उसके बारे में। ओह, सोते समय तकलीफ हो रही थी इसलिए उतार कर रख दिया था और पहनना भूल गई। मैरिड लाइफ कैसी चल रही है और तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? कनाडा में डॉक्टर है। वाह, तो तुम डल क्यों लग रही हो? ठीक है, कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे नहीं हैं। क्यों? कनाडा से आने के बाद देखेंगे ऐसा बोल रहे थे। ओके, ठीक है। तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा लेकिन मैं खुद ही बताती हूँ। मैंने एक लड़के से प्यार किया था, पता चला कि वो आतंकवादी है और शादी के मंडप पे उसे गोली मारकर मंगलसूत्र निकाल दिया। यू नो, मैं फर्ज के सामने कोई भी रिश्ता नहीं देखती। खैर छोड़ो, तुम चिंता मत करो। यू नो, मैं उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। छोड़ो, जाने दो ये सब। ओके, अपना एड्रेस और फोन नंबर। मैंने कल ही घर बदला है इसलिए अभी एड्रेस नहीं दे सकती, मैं कल एड्रेस देती हूँ। ठीक है, ओके ओके, मैं चलती हूँ। ड्रॉप करवाऊँ? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। ओके, टेक केयर। ओके, चलती हूँ, बाय। मैं पागल हूँ, पागल। मैं क्या पागल दिख रहा हूँ? अरे उस पागल को देखो। पागल हूँ मैं, पागल। तुम्हारे जैसे एक औरत है, मुझे पागल बनाया, पागल। देखो देखो मेरी हालत क्या हो गई है, पागल हो चुका हूँ मैं। इन सब का कारण मेरी औरत है, अगर मेरे सामने आ गई तो सीधे तलवार से काट डालूंगा उसको। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं एक चाय तो पी लूं। भाई ए भाई, एक चाय तो पिला दे। भिखारियों को मैं कभी चाय नहीं पिलाता। इसे देख कर भिखारी बोला, मैं इस मोहल्ले का दादा हूँ दादा, अगर तू मुझे चाय नहीं पिलाएगा तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी भाई। चल चल, अगर तूने मुझे चाय नहीं पिलाया तो मैं तेरी हथौड़ी निकाल कर तुझे उसकी माला पहना दूंगा। दादा हूँ दादा मैं इस मोहल्ले का। ए, तू दादा है या दादी हो? चल निकल यहाँ से, नहीं तो तेरे थोपड़े पे गर्म पानी डाल दूंगा। मेरे मुंह पे गर्म पानी डालेगा? मुझे चाय नहीं पिलाया तो मैं तेरे रहने दूंगा और तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे हाल करने वाले को मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया तो पहले उसे काटूंगा फिर तुझे भी काटूंगा। मुझे चाय पिलाने से मना कर रहा है, अगर कल से तूने इस मोहल्ले में दुकान खोला तो मैं तुझे मार डालूंगा। ए मैं दादा हूँ दादा, इस मोहल्ले का दादा हूँ, इस मोहल्ले का दादा हूँ, उस मोहल्ले का दादा हूँ, सब मोहल्ले का दादा हूँ मैं। ए चलो हटो, हटो हटो, चले जाते हैं। काट डालूंगा सबको मैं। लॉरी रोक, है नीचे उतर, नीचे उतर। इस 21 सेंचुरी में 10 बार स्वयंवर कराने पर भी तुझे लड़का नहीं मिला। तेरी बहन से शादी करने के लिए मैंने गलती से तेरे कान पर मार दिया और तू नीचे गिर गया, और मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैंने बस ये बोलकर फंस गया मैं। अरे भाई इसको छोड़, औरत नहीं है वो, दरियाई घोड़ा है भाई। तूने मुझे बताया, तूने मुझे फंसाया, काट डालूंगा, काट डालूंगा तुझको। बच्चों झगड़ा मत करो, चलो संभल कर जाओ, हाँ ठीक है, चलो ठीक से जाओ। डॉक्टर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मॉर्निंग डॉक्टर, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैं मंदिर में जाकर पूजा करके आती हूँ, वो ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट आप उसे जैसे लेकर आई थी वैसा ही है वो, उसमें अभी तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर आप किसी भी हाल में मेरे बेटे को होश में ले आइए, डॉक्टर कितना भी पैसा लगे तो परवाह नहीं, मैं दूंगी डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर। तुम्हारे बेटे को बचाना तो मेरा फर्ज है बेटी, तुम पैसे की बात मत करो, तुम खुद उससे जाकर मिल लो, आओ।
श्रवण। श्रवण, श्रवण, श्रवण मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे। श्रवण, श्रवण मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें इस हाल में देखने से अच्छा मैं मर जाती। श्रवण, 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 श्रवण मैं माँ हूँ बेटे तुम्हारी। श्रवण, श्रवण मैं तुम्हारी माँ हूँ। सुनो, तुम इसे यहाँ से जल्दी ले जाओ, ले जाओ। ठीक है। रुको रुको, कूल डाउन। डॉक्टर, डॉक्टर इसे छोड़ने को बोलिए। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है डॉक्टर। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी डॉक्टर। मैं मेरे बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती डॉक्टर। मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी डॉक्टर। डॉक्टर आप कुछ कीजिए ना डॉक्टर, प्लीज। कूल डाउन, प्लीज कुछ कीजिए ना डॉक्टर। तुम पागल हो गई हो क्या? हां, मैं सच में पागल हो गई हूं डॉक्टर। बेवकूफी की बातें मत करो, चलो। नहीं मेरी प्यारी, बात मान, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ। ऐसा मत कर, मेरी बेइज्जती मत कर। अरे बाप रे, यहाँ के पैर पकड़ रहा है तुझे? मैंने वहाँ आके पैर पकड़ने को कहा था, तब नहीं पकड़ा। तू किसी काम का नहीं है। तू हाथ पकड़ या पैर पकड़, तू किसी काम का नहीं है। वेस्ट है वेस्ट, मैं तेरे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। नहीं डरनी, ऐसा मत करो। अरे तुम लोग यहाँ झगड़ा मत करो, चलो साहब जी बुला रहे हैं, चलो जल्दी करो। ए वकील, चल इधर आ। ए डाइवोर्स लूंगी, तुझसे डिवोर्स लूंगी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ यहाँ। क्या हुआ मैडम, क्या प्रॉब्लम है? सर, इसने मारा था, बहुत मारा था, लात घूंसों से मारा था, बहुत पीटा था, वो भी मेरे भैया को स्वयंवर के दिन। मैं इसे मर्द समझ कर इससे शादी कर ली, और अभी तक हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। सच में सर, कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। मैं इसकी मर्दांगनी में धोखा खा गई। मैं इसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकती हूँ सर। मेरी जिंदगी नरक बना दी। ये मर्द है, मर्द के नाम पर कलंक है, कलंक। मैं इसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती, मुझे डिवोर्स चाहिए बस। ये सुहाग रात के दिन से मुझे भगा रहा है और खुद भी भागता रहा है। इसके साथ मैं क्या करूं? मैं नहीं रह सकती इसके साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए सर। इसको बोलिए डिवोर्स पेपर में साइन करे सर। ए, तेरी बीवी जो बोल रही है वो सही है क्या? सर, मैं अपने आप से बड़े शर्म से कह रहा हूँ सर, मेरी मान मर्यादा चली जाएगी सर। सिर्फ एक दिन का टाइम दे दीजिए सर। टाइम मिल जाएगा तो क्या कर लेगा ये, पहाड़ उखाड़ लेगा क्या? सर, सर, अगर आपने मुझे 24 घंटे का वक्त दिया तो मैं मर्द हूँ या नहीं ये साबित कर दूंगा। क्या कर लेगा तू, इतने दिन में कुछ नहीं कर सका। साइलेंस, साइलेंस। अपने परिवार की समस्या को क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? अभी डाइवोर्स मत दो, सिर्फ आज के दिन देखो ये क्या कर पाता है, वरना कल मैं खुद तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा। जब कतरे, तू चुपचाप घर जा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जा, समझा ना? चल, इन लोगों को बाहर निकाल। चल जब कतरे, चल बाहर निकल, चल। नमस्ते मैडम। आइए, बुके लाओ, ये लीजिए मैडम। बैठिए ना। क्या पियेंगे आप, कोल्ड ड्रिंक्स या हॉट ड्रिंक्स? वो सब कुछ नहीं चाहिए, मानना पड़ेगा। हजारों लड़कियां डांस करे तो भी आपके डांस में जो मजा है, जो नशा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएंगी। मैडम, आपके चाहने वाले बहुत से फैंस हैं। मैडम, मैं एक 5-स्टार होटल खोल रहा हूँ, अगर आप उसमें डांस करें तो आपके सारे फैंस वहाँ आ जाएंगे और मेरा होटल बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा अगर आप डेट दे दे तो। आपकी बात तो सही है, मगर मैं अब डांस करने के मूड में नहीं हूँ। आप ऐसा कहेंगी तो मैडम कैसे चलेगा? मैडम, मैं आपके भरोसे यहाँ आया था। सॉरी सर, मैं डांस नहीं कर सकती। मैडम, पैसे के बारे में मत सोचिए, आप जितना मांगेंगी मिल जाएगा। प्लीज, आप मुझे ज्यादा परेशान मत कीजिए, आप जा सकते हैं। ओके मैडम, नो प्रॉब्लम, जब आपके मूड में हो तभी आप मुझे फोन कीजिएगा। ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड, चलता हूँ मैडम। ठीक है। ए दोस्त, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या बताऊँ यार, मेरी औरत बोलती है तू मर्द नहीं है, तुझमें दम नहीं है,
पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने भेज दिया। चिंता मत करो, बस यही समस्या है ना। चलो उठो मेरे साथ आओ, चलो मेरे साथ बताऊंगा। चल चल यार, बोला ना। हाँ भाई ऑटो यही पे रख दो, रखो। हाँ अभी आता हूँ। मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। अब पानी पियो। आटो स्टार्ट करो। अच्छा मैं अभी देखता हूँ। तो तेरी ये हिम्मत, तूने मुझे पुलिस स्टेशन में जाकर नामर्द कहा, अभी बताता हूँ। ये क्या कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? पागल, बेवकूफ, कमीना, लफंगे, गुंडा कहे तो भी परवाह नहीं, पर तूने मुझे कहा कि मैं नामर्द हूँ। अब तूने तो मेरी बेइज्जती कर दी है। अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो जहर खाकर मर जाता, लेकिन मैं मर्द हूँ। ये ले, ये ले। अगर तुझे नहीं मारूं तो क्या गली में जाने वालों को मारूं? हैं ये ले, आज तुझे अपनी मर्दानगी दिखाता हूँ। देख कैसा हूँ मैं, कैसा मर्द हूँ। और ये ले, आजा इधर, आजा इधर, आजा इधर, आजा। अभी तक कहाँ थी तेरी मर्दानगी, आज दिखा रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ अपनी मर्दानगी। आ ले रे, ये रुक जा रहे, कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है, मेरे पास आ जा, आ जा, कहाँ भाग रही है, आ जा, आ जा, रुक जा, रुक जा। हाँ क्या हुआ? वही कैसा है ना डिवोर्स का सवाला? डिवोर्स चाहिए मुझे, बस डिवोर्स चाहिए। ये आदमी नहीं जानवर है, जानवर इसके साथ में नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती। ये जानवर है, राक्षस। ये क्या है? कल तो तुमने बताया था कि ये नामर्द है, आज कुछ और बोल रही हो। तुम क्यों हमें परेशान कर रही हो? ये ऐसी है, कुछ न कुछ बकती ही रहती है। कल कुछ बोल रही थी, आज कुछ और बोल रही है, आधी पागल है। सर सर आप अपना काम कीजिए, सर हमें अपना काम करने दीजिए। चलो चलो मेरी प्यारी, आ गई। डॉक्टर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं कंफ्यूजन में हूँ। इस तरह जीने से तो अच्छा है मैं मर जाऊँ। क्या है विद्या, ऐसी बातें क्यों करती हो? हाँ तुम अपने बेटे के बारे में चिंता कर रही हो, उसकी चिंता मत करो। डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? यस, योर सन इज समहाउ इम्प्रूव्ड। कहते हैं एक बहुत बड़े पत्थर को लोहे से भी तोड़ नहीं सकते, पर एक छोटे से पौधे की जड़ तोड़ देती है। वैसे ही प्रेस से एक विमल नाम का आदमी हमेशा आते रहता है, वो तुमको जानता है। एक दिन उसने मुझसे मदद करने के लिए पूछा और मैंने ओके कर दिया। उसके आने से तुम्हारे बेटे में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेनी मेनी थैंक्स डॉक्टर। थैंक्स का हकदार मैं नहीं हूँ बेटी, विमल से जाके कहो। जाओ के बेटे को होश में लाने के लिए उसका पापा बनने का नाटक किया था। सॉरी, श्रवण, श्रवण मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, मेरी तरफ देखो। श्रवण, श्रवण मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, श्रवण मुझे पहचानो, श्रवण मैं तुम्हारी माँ हूँ, श्रवण, श्रवण मुझे पहचानो, श्रवण। सुनिए, सुनिए ना, मेरी बात का बुरा मत मानिए, आपका बेटा धीरे धीरे होश में आ रहा, ठीक हो रहा है, फिर से वापस उसको सीरियस मत बनाइए। अपने बेटे के बारे में चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं ख्याल रखूंगा उसका।
ड्राइवर गाड़ी रोकना। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। इनांग वचनांग शृणोमि शृणोति अम्बै अविनाशनम न चास दोषान च मयि। नाम और नक्षत्र बताइए। भरणी नक्षत्र शिव गोत्र श्रवण। भरणी नक्षत्र शिव गोत्र श्रवण। सर्व सुख संपन्न प्राप्त हो आपको सर्व। अब आगे अपना मन में धारण कीजिए। आपको किसके नाम से कराना है? या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्तु 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 नमो नमः। मालिका को बल बुद्धि विद्या सब कुछ दे। जो मन से आए सब मन कामना पूरा होए। जय भगवान जय भगवान जय भगवान। हाँ सब आप लोगों की इच्छा मनोकामना सब पूरी होए यही हमने भगवान से प्रार्थना की है। अब अपने मन से कुछ मन में धारण करके भगवान का मनन कीजिए। सर्व मनोकामना पूर्ण भवन्ति। पचास मंदिरों में किसके नाम से अर्चन किया था? अपने हस्बैंड के नाम से ना? हाँ वो कहीं भी हो लेकिन उसके नाम से अर्चन करने से बहुत खुशी मिलती है ना। हाँ अब बता तुम्हारा घर पास में है क्या? तुम हमेशा इस मंदिर में पूजा करने आती हो। तुझे क्या हो गया? तू कॉलेज में तो बहुत बोलती थी, अभी तो तू सिर्फ हाँ ना जवाब देती है। शादी हो गई ना? ओ शादी हो गई तो ऐसे रहना चाहिए क्या? सॉरी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है विद्या, ये मैं नहीं जानती। ओके एनीवे मैं इस मंदिर में क्यों आई हूँ जानती हो? कुछ साल पहले आज के दिन ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया था और हर साल इस मंदिर में आके मैं दिया जलाती हूँ बिकॉज आई लव माई जॉब। यू नो मेरे सर्विस में मैंने बहुत सारे डिफिकल्ट केस मैंने सॉल्व किए हैं। सभी चुनौती को मैं समझ कर जीत चुकी हूँ लेकिन अभी ये भास्कर और रेसिपी का केस को लेकर ना मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। एक हफ्ते से मैं कोशिश कर रही हूँ, एक क्लू भी मेरे हाथ में नहीं आया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट एनीवे मुजरिम को मैं एक न एक दिन खोज कर जरूर निकालूंगी। ओह एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो या स्पीकिंग ओके बताइए। ठीक है आप लोग अरेंजमेंट कीजिए, मैं आधे घंटे में आती हूँ। ओके सॉरी मैडम तुम्हारे घर आने की बहुत कोशिश की थी पर मंत्री जी की मीटिंग में मुझे जाना है, बहुत जरूरी है। हैव टू गो, हम दोबारा जरूर मिलेंगे, संभल के जाना। बाय। और इसके साथ ही मैंने अपनी जमीन को भी आप लोगों में बांटने का फैसला कर लिया है। सबको रहने के लिए एक एक घर दिया जाएगा। आप लोग किसी भी तरह की चिंता ना करें, आप लोगों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आखिर में आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरी मेहनत और खून पसीना मेरी जान ये सब आप लोगों के नाम है। मैं सो बॉक्सिंग प्रोग्राम बनाकर भास्कर को मार दिया गया, करेक्ट? उस दिन बॉक्सिंग प्रोग्राम हुआ था ये बात सही है, पर हमने उसे मारा ये बात गलत है। यू आर रॉन्ग। नहीं मैडम, तमिलनाडु का वो बहुत अच्छा बॉक्सर था, उसकी वजह से बॉक्सिंग का क्रेज बढ़ रहा था, फिर उसे मारने की मुझे क्या जरूरत थी। ठीक है आप बता सकते हैं, आपको किसी आदमी पर कोई शक है क्या? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ओके आपने बॉक्सिंग प्रोग्राम का वीडियो लिया है क्या? हाँ हमने लिया था, मुझे पता था आप लोग उसे मांगेंगे, ये लीजिए मैडम। ठीक है थैंक यू। मिस्टर मुरलीधरन आपको कभी भी इस केस के सिलसिले में बुलाया जाए तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ओके ओके मैडम यू कैन गो। थैंक यू मैडम। Thank you.
आप लोगों को अंदर जाने की जरूरत है, मैं सिर्फ जा रही हूँ, आप फोटो दे दो मुझे। येलो मैडम। ओके। एक्सक्यूज मी। यस कम इन। हेलो आई एम ऑफिसर राजकुमारी। हेलो टेक योर सीट। थैंक यू। मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। बताइए व्हाट कैन आई डू फॉर यू। डॉक्टर इस हॉस्पिटल में कितने लोग काम करते हैं? 70 स्टाफ और 200 डिसेबल्ड पर्संस। आप अलगेश्वरी को जानते हैं? यहाँ इस नाम का कोई नहीं रहता। अच्छा फिर यहाँ पेशेंट को पहचानने वाला अलगेश्वरी नाम का कोई है क्या? ऐसा कोई नहीं। इस फोटो में जो लड़की है उसे आप जानते हैं क्या? हाँ इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। यही अलगेश्वरी है ना? नो इसका नाम भारती है। डॉक्टर आर यू श्योर? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। ये इस हॉस्पिटल में क्या काम करती है? उसके बेटे का नाम श्रवण है, उसे लंबे अरसे से दिल की बीमारी है और यहाँ उसका इलाज चल रहा है। ओ डॉक्टर इफ यू डोंट माइंड मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ क्या? हाँ मिल सकती हैं, प्लीज कम। ओके। यही उसका बेटा है श्रवण। मेरा बेटा कैसा है? वो अच्छी तरह खाना खाता है ना? ठीक से सोता है ना? वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा ना? बताओ ना विमल, वो ठीक हो जाएगा ना? प्लीज बताओ ना विमल। आप घबराइए मत, शांत हो जाइए, आपका बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और आप उसके साथ खुशी से जी पाएंगे। आप क्यों घबरा रही हैं? सब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी लोग जिस्म और पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन सिर्फ आप बिना किसी मतलब के मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। मैं खुशी से जी भी नहीं पा रही हूँ और मैं मर भी नहीं सकती। मेरे दिल में जो बातें हैं वो किसी से मैं बता भी नहीं सकती और बिना बताए रह भी नहीं सकती। आपके दिल में कोई राज छुपा है? अगर आप मुझे अपना दोस्त समझती हैं तो मुझे बताइए। एक लड़की की जिंदगी में जो नहीं होना चाहिए वो मेरे साथ हो गया। मैं एक आम लड़की की तरह अपने पति के साथ खुशी से जीना चाहती थी और मैं वैसे ही जी भी रही थी, लेकिन मेरी खुशी को किसी की नजर लग गई। नहीं था, तुम कब आए? तुम जब मोटर ऑन कर रहे थे उसी वक्त मैं आई।
पढ़ाई तो कब की खत्म हो गई, अब अभी दूसरी पढ़ाई करनी बाकी है। जल्द से जल्द तुम प्यार करना सीख लो। शादी अभी करोगी या बता दो। अच्छा है, कॉफी में शक्कर और दाल में नमक बराबर डालने वाली जिंदगी में भी बराबर रहेगी। देखो अपनी जिंदगी में अब कोई समस्या नहीं रहेगी। तुम्हारा बेटा कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। आपने बुलाया पापा? हाँ बेटा, कल तुम्हारी मंगनी है, कहीं मत जाना। लड़की कोई और नहीं, अपने मुत्तु स्वामी की बेटी संत लक्ष्मी है। ये क्या है पापा, आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मैं तुमसे क्यों पूछूं? तुमसे पूछकर तुम्हारा नाम रखा था, पूछकर तुम्हारा एडमिशन स्कूल में कराया था, तेरे से पूछकर कपड़ा देता हूँ। बस वैसे ये भी है। इसके पहले आपने जो भी फैसले लिए थे वो सही थे, लेकिन इसके पहले भी शुरू से फैसला मैं ही लेता हूं। कल तुम्हारी मंगनी हो रही है, कहीं जाना मत, ये याद रखना। चलो जी। अरे बाप रे, देख तेरे पापा को नाराज होते इससे पहले कभी नहीं देखा है, तू पागल हो गया? हाँ, क्या? हाँ, मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। सभी लोग क्यों खामोश हैं? जल्दबाजी से मंगनी तय हो रही है इसलिए क्या? जल्दी लड़के को बुलाइए। दे दो बेटी, कितनी सुंदर लड़की है। बा? तो ठाकुर साहब, आप अपनी बेटी का नमः शिवाय के बेटे से शादी कराने को तैयार हैं क्या? समधी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी बेटी को ये रिश्ता मंजूर है ना? मेरा बेटा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। दोनों तरफ से जब सहमति है तो मंगनी तय कर दीजिए। आप ठीक कह रहे हैं। रुके, मैंने इस लड़की से रजिस्टर मैरिज कर लिया है। मेरे मना करने पर भी तुमने ये किया? ए, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कहीं भी उसे पकड़ो और जल्दी मेरे सामने लेके आओ। और तेरी इतनी हिम्मत? अरे बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था, अब तूने ही मुझे मजबूर कर दिया। क्यों बेटा, क्यों? बेटा, सारा गांव हमारे खिलाफ था उस वक्त, यही एक आदमी थे जिन्होंने डटकर मुकाबला किया था। उस वक्त भी वो इतना नहीं रोए थे जितना तूने उन्हें रुलाया है। क्या हो गया तुझे? मेरे पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे थे और मैं अपने पिता का इकलौता बेटा, और मेरे लिए तू इकलौता बेटा है, और आज तक हमारे खानदान में एक भी दाग नहीं लगा है, पर तूने मुझे आज शर्मसार कर दिया। तू मुझे
गुस्सा मत दिला, तू मेरा गुस्सा झेल नहीं पाएगा। देख बेटा, उस लड़की की कोई औकात नहीं है और तू उसे यहाँ लाकर कहेगा कि वो तेरी पत्नी है। देख बेटा, उसे अपनी बहू कैसे मान लेंगे। बेटा, अपने पापा की बात मान ले बेटा। सत्या, ए सत्या, देख जो भी हुआ उसे भूल जा। तुझे मैं अपनी जायदाद में आधा दे देता हूँ, भूल जा उसे। देख बेटा, छोड़ दे उसे, तू अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मत मिला। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। ए! जिंदा ही दफना दूंगा, जिंदा। हद कर दो मुझे, हद कर दो। ए! जिंदा मरना है ना? तुम्हें नहीं, उसे मरूंगा। हाँ। ए सत्या, तू ये सब क्या कर रहा है? देख पापा की बात मान ले, सुन, वो हमारा बेटा है। चल अंदर। बेटा है वो हमारा। इस पे नजर रखना। Yes, come in. कलेक्टर सर, आप मुझे और मेरे पति को बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी सर। आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं हूं ना। प्लीज सिट डाउन, प्लीज। अब आराम से बताइए क्या हुआ। रोइए मत, बताइए। मैंने और मेरे पति ने प्यार करके शादी कर ली है, लेकिन वो लोग हमें अब आप ही हम दोनों को बचा सकते हैं सर। कलेक्टर आए हैं तो क्या मैं डर जाऊंगा? मैं किसी से नहीं डरता, पुलिस फोर्स भी आए तो सबको खत्म कर दूंगा, समझे? हम आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, कलेक्टर साहब बहुत कड़क आदमी है, उन्होंने आपको बुलाया है। ए, तलवार निकालो, चाहे वो जीतेगा चाहे हम जीतेंगे, देख लेंगे। हाँ, गोवर्धन जी, मारपीट कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी तरफ से 10 मरेंगे और अपनी तरफ से 4, इसकी क्या जरूरत है? ये गाँव आपके भरोसे जी रहा है, एक आदमी मरे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब 10 लोग मरे तो आप कैसे झेल सकते हैं साहब जी? साहब जी, मैं तो आपसे उम्र में बड़ा हूँ, सच्चाई क्या है कलेक्टर को बताकर समस्या को शांति से हल कर दीजिए। देखिए, इन लोगों का कहना बिल्कुल सही है, आप शांति से काम लीजिए। नमस्ते। क्या बात है, बताइए। मैं इसकी समस्या लेके यहाँ आया हूँ। ये मामला कभी नहीं सुलझेगा। आप इस पर थोड़ी दया कीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। आपका लड़का और ये लड़की रजिस्टर मैरिज कर चुके हैं, इसका सबूत है, और मैं इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये इस जन्म में नहीं होगा। ये बात आप बिल्कुल मत कहिए। आप अपने बेटे को यहाँ बुलाइए और उसे बोलने दीजिए। वो नहीं आएगा। आपको अधिकारी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, अगर नहीं माने तो पुलिस पावर का इस्तेमाल करेंगे। मैं समस्या को बढ़ाने नहीं आया, अगर फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इस्तेमाल करके देख लो, मुझसे लड़ेगा? सर, आप इनसे प्यार से बात करें तो कुछ नहीं होगा। सर, आप शूटिंग ऑर्डर दीजिए। सर सुनिए, मैंने आज तक आपसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, पर आपकी वजह से गांव में समस्या नहीं खड़ी होनी चाहिए। मैं उसे बुलाकर यहाँ लाती हूँ, उसी से पूछ लीजिए।
उसे बिठाया गया है और तुम्हारी एक बात से उनकी इज्जत बच सकती है, उसे बचा ले। देख सत्या, मना कर दे उस लड़की को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मना कर दे बेटा, तुम्हारे पापा हमेशा शेर की तरह जिए। उस लड़की को मना कर दे, ऐसा मत कर, उनकी इज्जत बचा ले। अपनी माँ की बात जरूर मानेगा। देख सकते हैं, अपने पापा की इज्जत बचा ले, उस लड़की को मना कर दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सत्या, अरे सत्या, तू कहाँ भाग रहा है? सत्या, सत्या, काम बहुत आसानी से था। अब से उस घर मेरा कोई रिश्ता नहीं, वो आजाद है। उसके दादाजी की 4 एकड़ की जमीन है और जो कुछ मैंने मेहनत करके कमाई है वो जमीन और सारी की सारी संपत्ति इन गांव वालों को देता हूँ, क्योंकि इस कमाई में इन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। उस कमाई से मैं इसे एक पैसा भी नहीं देना चाहता। मेरी जो बेइज्जती हुई है, ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ कभी हो। अच्छे बुरे काम के लिए आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का एहसान मंद रहूंगा। मेरी गलती को क्षमा कीजिएगा, मैं आप लोगों को और आपके एहसान को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं आज से इसे भूलने की कोशिश करूंगा कि मेरी कोई औलाद थी। धन्यवाद, चलो आओ। गई है बेकाबू, ये दिल पे नहीं है काबू, कोई चल गया है जादू। गाय मेरा मन हर सू, तू कर गई है बेकाबू।
मेरे दिल का है तू राजा, तू है मेरा शहजादा, जरा पास मेरे तू आजा, आकर तू मंजिल पाजा। हे मेरे दिल की है तू रानी, तू है मेरी महारानी, जरा पास तू आ दिल जानी, बन जाए नई कहानी। प्यार करो तुम, प्यार तेरा ही मांगे। बेचैनी माने ना, कहना ये मेरा हाल, तेरा जो है सनम वैसा ही मेरा। हे दिल पे नहीं है काबू, कोई चल गया है जादू। हे गाय मेरा मन हरसू, तू कर गई है बेकाबू। खतरे से लड़कर प्यार में जीत गए तो उससे बड़ी खुशी इस दुनिया में कुछ नहीं है। हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे, हम एक प्यारा बच्चा भी हुआ। ए श्रवण तुम खाओ, ए मामा से बताओ, आओ मेरे सामने आओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इधर हूं, मिल गया। ए कहां है, कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है? अरे कहां भाग रहा है, कांच पे हो तुम। अब तो पकड़ लूंगा, पकड़ लूंगा। लेकिन हमारी खुशी भगवान से बर्दाश्त नहीं हुई। अचानक सुनामी की तरह एक तूफान हमारी जिंदगी में आ गया। जय हो, नमस्ते, जय हो, जय हो, नमस्ते, जय हो, दादी माँ, नमस्ते नमस्ते। वोट मुझे ही देना, अरे मुझे बहुत खुशी आ रहा है, वोट मुझे ही देना। ईश्वरी इधर आओ। क्या हुआ दीदी? नेताजी वोट मांग रहे हैं और तुम पढ़ी लिखी हो, तुम आरती उतारो। ठीक है दीदी। नमस्ते नमस्ते। मैं जीता तो सोने का भाव कम कर दूंगा, मैं जीता तो शादी की उम्र 10 साल कर दूंगा। नमस्ते नमस्ते, मुझे ही वोट देना। आप लोग थोड़ा दूर हटे, आप ये ले लीजिए। Apple.
एप्पल बी फॉर बॉय सी फॉर कैट डी फॉर डॉग ई फॉर आप क्या मैं फिर तुम कौन हो हाथी के बच्चे क्या एल फॉर लॉलीपॉप एम फॉर मम्मी ओ फॉर मम्मी इस हाथी को भी खिला हाँ, खिलाती हूँ बेटा चलो अब भी खा लो विद्या दूसरे बच्चे के लिए तैयार हो ना अरे वो तो सो गया होगा जानवरों ने मुझे नोच नोच कर खाया उसमें से एसीपी और भास्कर दोनों को गोली मार दी है फिर मैंने मंत्री को भी निशाना बनाया था लेकिन वो बच गया नहीं छोड़ूंगी उसे भी नहीं छोड़ूंगी गोली मार दूंगी मेरे बेटे की जिंदगी के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे इसके लिए मैं डांस करने पर मजबूर हो गई अब ये पैसा मैंने बेटे के नाम पर डिपॉजिट किया है इससे उसको बचा लीजिए क्योंकि अभी तो मेरा आखिरी मकसद बाकी है क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं नहीं पुलिस मेरा पीछा करने लगी है और मैं मंत्री को मारे बगैर नहीं छोड़ूंगी ये मेरा आखिरी मकसद है आप मेरे बेटे को बचा लीजिए मेरे बेटे को बचा लीजिए मैडम मैडम सर्च तो कोई इन्विटेशन लगता है मैडम यह कार्ड यहां मिला है Thank you.
जाने, जिद्दी है कहना ना माने। मेरी मंजिल बाकी रहूंगी जो चाहे हो जाए, कहती हूँ तू मान ले कहना वरना तू पछताए। Ah!
चाहूँ तो मैं तुम्हें भी गोली मार सकती हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो। तुम खुद से ज्यादा अपनी फर्ज को चाहती हो, उसी तरह मैं भी अपने पति को बहुत चाहती थी, पर उन लोगों ने मेरी इज्जत लूटकर मेरे सामने मेरे पति को जलाकर राख कर दिया। मैं उस मंत्री को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, हो सके तुम उसे बचा लो। ऑडिटोरियम की हमने छानबीन कर ली। हाँ, ओके। नमस्ते मैडम। कोई भी आदमी शक के दायरे में नजर आए तो गिरफ्तार कर। यस मैडम। ओके। बी अलर्ट। हम की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? पार्वती परमेश्वर। मैडम, इन्होंने नाम रोशन किया है, इनको अवार्ड देने के लिए लेके जा रही हूँ। आप जाइए। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। आज के दिन महिला दिवस मनाया जाता है। आज के दिन हम महिलाओं के हक में आवाज उठाएंगे। हमारे बीच अब मंत्री जी भी आ गए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। बैठिए बैठिए। हम सब मिलकर मंत्री जी का स्वागत करते हैं जो हमारे बीच में उपस्थित है, और सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद अदा करती हूँ। आज के दिन हम सभी मिलकर फैसला करेंगे, हम अपने बहनों के लिए लड़ेंगे और सभी महिलाओं की मदद करेंगे। मैं विनती करती हूँ कि आप सब हमारे इस लक्ष्य को सफल बनाएं। आज के दिन हम सब मिलकर ये एक संकल्प लेते हैं, किसी भी महिला पर कोई भी अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उम्मीद है आप सब साथ दें। ये महिला दिवस है एक महत्वपूर्ण दिवस, क्योंकि मैं आपको ये बात बता रही हूँ आज कौन सा खास दिन लग रहा है। सुबह का न्यूज़पेपर देखो, चकला क्वीन गिरफ्तार हो गई है और उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, और उसे देखकर हमारा मन दुखी होता है, और इसमें फोटोग्राफर, पुलिस और मीडिया वाले साथ देते हैं, हम दुखी होते हैं। वेश्या का धंधा बिल्कुल गलत है, मैं इसको सही नहीं मानती, लेकिन अगर वेश्या के पास कोई आदमी जाएगा और अगर उसकी एक फोटो पेपर में छपे तो आप भी जानते हैं कि क्या हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो उसके माँ बाप, भाई बहन सभी उसके ऊपर थूकेंगे और इस तरह का घटिया काम करने से उसे मना करेंगे। पर ये समाज ऐसा क्यों करता है? महिलाओं के लिए अलग कानून और पुरुषों के लिए अलग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। ये महिला दिवस नहीं है बल्कि ये महिलाओं की जिंदगी की नई शुरुआत है। महिलाओं के बारे में बहुत से पुरुषों से सुना है, महिलाओं पर भरोसा मत करो, महिलाओं से धोखा मत करो, ये गलत है। महिलाएं इस देश की जान है। महिलाओं के बारे में कहना चाहूंगा, अपने नेताजी ने एक बात कही थी, माँ के बगैर मैं नहीं, मेरे बगैर ये दुनिया नहीं, और यही बात सच है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आप लोगों ने देखा और सुना। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक मैं अपने बहनों और अपनी माँ को, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मेरे जब तक प्राण रहेंगे मैं हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करूँ और उनके दुख को दूर करूँ। आप लोगों के लिए जान दूंगा, यही सच है, आप लोग मेरा विश्वास करें। महिला अवार्ड लेने के लिए आदरणीय पार्वती जी को बुलाना चाहूँगी।
पार्वती जी से विनती करती हूँ कि वो आकर मंत्री जी से पुरस्कार ग्रहण कर। आइए माँ, संभल संभल कर आइए। नमस्ते माता जी। नमस्ते। महिलाओं के लिए लड़ने वाले मंत्री जी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरी तरफ से और आप सब महिलाओं की तरफ से मैं उनको ये हार पहनाना चाहती हूँ। करती हूँ इसे संभाला।